अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी लॉसन स्विट्जरलैंड यूरोप में स्थित एक खेल संगठन है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बैच है। विभिन्न देशों में वार्षिक आधार पर आयोजित आईओसी सत्र आईओसी सदस्यों की एक सामान्य बैठक है। आईओसी के तहत भारत सहित 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। आईओसी की बैठक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों, चुनाव, खेल और महासंघों को शामिल करने या बाहर करने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल चलाती है। उनकी पहल पूरे भारत में 21.5 मिलियन से अधिक बच्चों और युवाओं तक पहुंच गई है। फरवरी 2022 में चीन में आईओसी सत्र में नीता अंबानी, जो आईओसी सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला है, उन्होंने एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जिसने मुंबई में आईओसी के सत्र की मेजबानी करने की वकालत की। बोली को अन्य सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक आईओसी सत्र मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। ये 141वां आईओसी सत्र था। 14 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र का उद्घाटन किया और भाषण दिया। ये पहली बार नहीं था जब भारत आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा था। भारत ने इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की थी। भारत अब 40 वर्षों के बाद आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेल 140 करोड़ भारतीयों की संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने खेलो इंडिया और देश में होने वाले इन अन्य खेल आयोजनों का जिक्र किया। उन्होंने पिछले ओलंपिक और हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों की शानदार प्रदर्शन को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भारतीय एथलीटों पर गर्व है और वे उन्हें आगे भी समर्थन और प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ये एक सपना है कि हम भारत में 2029 युवा ओलंपिक और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के इच्छुक हैं। मुझे यकीन है कि भारत को आईओसी से लगातार समर्थन मिलता रहेगा। इस बीच नीता अंबानी ने कहा, मैं एक आईओसी सदस्य, एक गौरवान्वित भारतीय और एक उत्साही क्रिकेट प्रशंसक हूं। ओलंपिक के इतिहास में क्रिकेट को 1900 में केवल एक बार खेलों में शामिल किया गया था और 2 दिवसीय टेस्ट मैच केवल 2 भाग लेने वाली टीमों द्वारा खेला गया था जिसमें प्रत्येक में 12 खिलाड़ी थे। उस मैच के बाद कभी भी ओलंपिक में क्रिकेट नहीं खेला गया। मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट दोबारा शुरू किया जाए। आईओसी सदस्यों ने एलए समर ओलंपिक 2028 में
क्रिकेट को ओलंपिक खेल के रूप में शामिल करने के लिए मतदान दिया है। इसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। अद्भुत समाचार।